हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सब हैं आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बंद गोभी के पकौड़े। अगर आपको पकौड़े खाने का दिल करे तो एक बार इस पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बंद गोभी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम बंद गोभी, जिसको मैंने कट करके अच्छे से धो लिया है। बेसन लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जिसमें मैंने एक हरी मिर्च को भी पीसा है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और नमक लिया है। सबसे पहले हम बंद गोभी को बॉयल कर लेंगे। बंद गोभी को बॉईल करने के लिए मैंने उसे एक बर्तन में निकाल लिया है। ज़रूरत के हिसाब से मैंने उसमें पानी डाला है। उबाल आने तक का हमें इंतज़ार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ चुका है। इसे हमें सिर्फ एक मिनट के लिए ही बॉईल करना है, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम पानी से छान के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, अब हम इसे पानी से छान के निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे पानी से छान के अलग कर लिया है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे और एक बार और छान लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी से भी इसे छान के अलग कर लिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसे हम अच्छे से निचोड़ करके निकाल लेंगे और एक दूसरे बाउल में रखेंगे। तो ये देखिए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। सबसे पहले मिलाएंगे हम इसमें बेसन। 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसमें बेसन मिलाया है। अभी हम इसमें कम बेसन डालेंगे, जरूरत पड़ने पे हम बाद में बेसन डाल लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आपको जितना पसंद है आप उतना ही मिर्च डालें। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथों की हेल्प से मसाले को मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा, तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच बेसन और ऐड करूंगी। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया है। चलिए अब करते हैं पकौड़ों को फ्राई। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम कर लिया है। तो हम एक एक करते हुए पकौड़ों के शेप में इसे डाल देंगे ऑयल में। ये देखिए इस तरीके से। ध्यान रखें, जब भी आप पकौड़े डालें तो आँच को आप तेज ही रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो, उससे पकौड़े बहुत जल्दी जल जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे, उसके बाद हम हाई और लो फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। थोड़े थोड़े करके हम इसे प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब जो बाकी बचा था उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे ये भी पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सुपर क्रंची सुपर टेस्टी डिलीशियस पकौड़े एकदम रेडी हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये रेसिपी। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।